तो गाइज आपने लास्ट वाले व्लॉग में तो देखा ही था कि महाकाल जी की आरती स्टार्ट हो गई थी जब हम मंदिर में अंदर गए थे, तो इसीलिए जहाँ पर सब रुके हुए थे वहीं पर रोक दिया गया था, उनको आगे जाने नहीं दिया गया था। फिर जब आरती हो गई उसके बाद हम गए अंदर और महाकाल जी के दर्शन किए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए वहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो और फोटो नहीं लिया। एंड फाइनली उज्जैन आने के बाद महाकाल जी का पहला दर्शन हमें मिल चुका था, तो हम अच्छे से दर्शन करके बाहर निकल गए। हम पूरे मंदिर से बाहर नहीं निकले, हम सिर्फ महाकाल जी के दर्शन करके बाहर निकले थे। और आप देख सकते हैं कि हम अभी मंदिर परिसर में ही हैं। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर धागा बंधवाया जाता है, तो मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए थे धागा बंधवाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा यहीं से धागा बंधवाते हैं। मंदिर के अंदर की लाइटिंग तो आप देख ही सकते हैं, तो जैसे ही आप महाकाल जी के दर्शन करके बाहर निकलते हैं, यहाँ पर बाहर में बहुत सारे मंदिर हैं, आप सभी मंदिरों में आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो गाइज ये है गणेश जी सिद्धि विनायक जी का मंदिर जहाँ पे धागा बंधवाया जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, वो भी दोनों साइड से। फाइनली मेरे हस्बैंड जी का नंबर आ गया है धागा बंधवाने के लिए, फिर उन्होंने बंधवाया धागा और हम निकल गए मंदिर से बाहर। मंदिर जाने से पहले हमने कुछ भी नहीं खाया था और मंदिर में ही दर्शन करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे हमें लग चुके थे, तो लगी थी हमें बहुत ज़ोरों की भूख। तो सबसे पहले हमें दिखा भेल वाला, तो हमने भेल बनवा के खा लिया। उसके बाद गए हम मार्केट के साइड, फिर खाए मैंने गोलगप्पे और लास्ट में मैंने पिया जलजीरा वाला सोडा। तो गाइस हम आ गए हैं महाकाल के दर्शन करके, और हम हरसिद्धि माता और गणेश जी के मंदिर आज नहीं गए क्योंकि महाकाल के मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें आने में ही 9:30 बज गया। तो हम हरसिद्धि माता के मंदिर, काल भैरव जी के मंदिर और गणेश जी के मंदिर हम कल जाएंगे, तो मैं वहाँ के भी दर्शन आप लोगों को करवाऊँगी। और जब हम मंदिर से वापस आ रहे थे तो मैंने एक स्लीपर भी ले ली 150 रुपीज़ की, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने ली है ये वाली स्लीपर जो कि आप देख सकते हो पहनने में बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। बस अब हम हाथ मुंह धोते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।